वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि है मेथी के पराठे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों के दिनों में ये सब्जी आती है और खाई जाती है, तो इसके पराठे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो देखिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल में आटा। इसमें फ्रेंड्स मैंने मेथी के साथ साथ सोए भी डाले हैं। और यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन। और मसाले में मैंने लिया है अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका अब हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये बाउल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी आटा। आटे को मैंने पहले से ही छान लिया है। फिर फ्रेंड्स, इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा बेसन। अगर हम बेसन मिलाएंगे तो जो हमारे परांठे हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इसके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सोया मेथी को हमने पहले ही साफ करके और धो के रखा है और इसको छोटे छोटे उसमें कटिंग करके रखा है। हमने सोया मेथी को छोटा छोटा काट लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आटे के साथ जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम डाल देते हैं अपने मसाले। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूँगी अजवाइन, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक। फ्रेंड्स, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, अगर लाइट खाते हैं तो आप लाइट भी रख सकते हैं। और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों को हम। तो ये देखिए हमारे मसाले भी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब लास्ट में मैं ऐड करूंगी इसमें सोया मेथी। तो ये देखिए, और सोया मेथी को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें सोया मेथी थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हम बना तो सोया मेथी के ही परांठे रहे हैं ना, तो अगर उसका फ्लेवर नहीं आएगा परांठों में तो मज़ा क्या आएगा। और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सोया मेथी है वो आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो चलिए इसका अब हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि जो हमने पानी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जो सोया मेथी है वो हमने धोई होती है तो थोड़ा बहुत पानी उसमें भी होता है। और अगर हम ज़्यादा डाल देंगे एकदम से तो आटा जो है हमारा थोड़ा सा हल्का सा जैसे ढीला रहेगा और इसके जो परांठे हैं वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, वो हाथ में या चकले बिलर में चिपकता रहेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डो लग चुका है। और ये देखिए, ये इतना हमने इसको सॉफ्ट रखा है। और अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर एकदम हम जैसे इसके पराठे बनाएंगे तो वो साइडों से हल्का हल्का उसमें क्रैक आने लगेगा, तो इसीलिए इसको हम रेस्ट पर रखेंगे। वैसे भी अगर हम सिंपल आटा गूंथते हैं तो उसको भी थोड़ी देर हम रेस्ट पर ही रखते हैं।
तो इसीलिए इसको 5 मिनट के लिए अब रेस्ट पर छोड़ देंगे और ढककर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं इस आटे को रेस्ट पे रखे हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम थोड़ा सा आटा लेके उसका एक लोई डालेंगे और इस तरह से इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको इस तरह से बेलेंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा फिर हम डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको हम ऐसे बेलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे गोल बना लीजिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि जो हमारा पराठा है वो सॉफ्ट बने, अच्छा बने। और फ्रेंड्स, मैं इसे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे गोल बनाइए, आप चाहे तो इसे स्क्वायर बना सकते हैं या ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहे इसे वैसी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपना पराठा बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो हमारा पराठा यहाँ बेल चुका है। और चलिए फ्रेंड्स, हमने तवा पहले से ही गरम करके रखा है, तो चलिए इसे अब हम तवे पे डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस पर डाल दिया है। जब तक हमारा पराठा ये सिकता है तो हम दूसरा पराठा भी अपना तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पराठा हो गया है नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारा पराठा है वो एक साइड से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसको हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेकेंगे और उसके बाद इसमें हम ऑयल लगाएंगे। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी जो हमारा ये पराठा है वो ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसमें अब हम ऑयल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले साइडों में इस तरह से इसमें ऑयल लगाऊंगी और हल्का सा इसके ऊपर ऐसे लगा के रखती, मतलब स्प्रेड करूंगी। इस तरह से पराठा क्रिस्पी भी बनता है और साइड से अच्छी तरह से ब्राउन भी हो जाता है। जो इसकी साइड्स होती है ना, वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने इस तरह से हल्का हल्का ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा दिया है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में ये पराठे अक्सर बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेथी का सीज़न तभी ही आता है। और अगर हम इसके साथ सोया मिक्स करें तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से ये पराठे बनाइए और खा के ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट भी करिएगा हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से हम ऐसे सेक लेंगे। जब ये दोनों तरह से अच्छी तरह से सिक जाएगा तो हमारा पराठा भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा यहाँ तैयार हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे दूसरा पराठा और जो एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से हम दूसरे पराठे पर ऐसे करेंगे तो वो जो ऑयल है वो इस पे आ जाएगा और एक प्लेट पे हम ये पराठा निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने पराठे जो सर्व किए हैं मैंने वो बटर के साथ किए हैं। आप चाहे तो इसे चटनी, दही, अचार या फिर वाइट मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।